वेलकम बैक। यू नो, मेरा तो यही मानना है कि अगर इलनेस को दूर रखना है तो सबसे सही तरीका है सही खाना खाना। इट्स एज सिंपल एज दैट। शोभा, डू यू एग्री? आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट। इनफैक्ट खाने के मामले में एंटीऑक्सीडेंट्स को लिंक कर सकते हैं इम्यून बूस्टिंग के लिए। सो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऑलवेज रिमेंबर कलर। सो कलरफुल फ्रूट्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, सो ऑलवेज ऐड कलर टू योर डाइट। जितने कलर्स होंगे उतना ही इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होएगा। दैट्स करेक्ट। टेकिंग योर टिप, आई थिंक जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास अब पड़े हैं, दे आर ऑल कलरफुल, राइट? यस इंडीड। सो शोभा, हम लोग बनाने वाले हैं अ फाइव स्पाइस स्टर फ्राई। द फर्स्ट स्टेप इज हम लोग इन वेजिटेबल्स को ना बहुत कुक नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्लांच देम। That's wonderful. इससे कई सारे nutrients waste भी नहीं होते, because it's one such process जहाँ पे temperature taken from hot to cool immediately. India में ज़्यादा सब्जियों को बहुत पकाते हैं। बहुत पकाते हैं, indeed. तो 3 मिनट में हमारा गाजर, ब्रोकली और बीन्स जो इसमें हमने डाला है वो बिल्कुल perfectly cook हो जाएगा। Wonderful. In the meanwhile, we are going to take this fresh orange juice. और जो इसकी सॉस है स्टर फ्राई की, वो ऑरेंज जूस होगा रिड्यूस्ड। Oh, that's wonderful. We also have button mushrooms. मशरूम्स का एक खासियत है, बेसिकली इसमें एक यूनिक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है विच यू डोंट गेट इन एनी अदर फ्रूट्स और एनी अदर वेजिटेबल्स। एंटीऑक्सीडेंट का, एज आई टोल्ड यू, द फायदा हैपेंस टू बी कैंसर प्रिवेंशन, हार्ट डिजीज प्रोटेक्शन एंड ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बूस्टिंग। सो आवर मशरूम्स आर डन, इनको पकाने की जरूरत नहीं है, स्टर करते करते पक जाएंगे। वंडरफुल। और सब्जियां भी हो गई हैं, क्विकली इनको हम चिल्ड पानी में इमीडिएटली ट्रांसफर। ओके, ब्रोकली इज एक्चुअली अ वेरी गुड सुपर फूड क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट, नेमली कैम्पेफेरॉल करके एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है हमें इसमें। इट होल्ड्स वेरी हाई इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिंग फ्लू, कोल्ड्स एंड एवरीथिंग। मतलब होगा ही नहीं, होगा ही नहीं बस। और हम क्या कर सकते हैं, जब तक वो रिड्यूस हो रहा है अपनी रेसिपी चालू कर देते हैं। वंडरफुल। बहुत कम इसमें तेल डालेंगे। सो वंस इट्स सुपर हॉट, हम सबसे पहले लहसुन और प्याज को पकाएंगे और फिर मशरूम्स को, एंड देन वील एड ऑल आवर वेजीज। ऑलमोस्ट 1 onion स्लाइस। मशरूम्स, सो हमारे मशरूम जो हैं उन्होंने भी थोड़ा कलर पकड़ लिया है। दिस इज द राइट टाइम टू एड आवर ब्लांच्ड वेजिटेबल। सो we give it a quick toss and we'll check our orange juice. It's reduced really well, so I think we should go ahead and add a 5 spice powder. Wonderful. Lots of it, huh? क्योंकि ये अकेला इसमें spice जो जाने वाला है. Okay. Salt to taste. ये सब डालने के बाद एक quick toss, stir. Reduced orange juice. 1/2 teaspoon of soy sauce. शोभा, अब बारी आती है इसमें हमारा एक मिठास भरा इंग्रेडिएंट और डालने की। वी गोइंग टू ऐड डाबर हनी, बिकॉज़ हनी विल नॉट ओनली मेक इट मॉइस्ट, वो कैरमलाइज होता है, तो उससे अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा। डू यू नो दिस एक्चुअली एन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोटीन कॉल्ड डिफेंसिन 1 इन हनी, जिससे हमें बैक्टीरिया और फंगल जो भी इन्फेक्शन होते हैं हमें, इसे फाइट करने की हमें ताकत मिलती है। दो चम्मच शहद डालते ही हमें इसमें जल्दी से नूडल्स डालने हैं। ओह, दीज आर द नूडल्स विच आई हैव केप्ट प्री बॉइल्ड। सो दैट्स इट, और नहीं पकाएंगे, दिस इज डन। शोभा, अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। Well, that was our 5 spice stir fry, जिसमें खूब सारा हनी है, खूब सारा ऑरेंज जूस है, and it's spicy and sweet. Yes. Have a quick recap. पहले ब्रोकली, बीन्स और कैरेट्स को ब्लांच कर लें, फिर दूसरे पैन में ऑरेंज जूस को रेड्यूस करें, अब बटन मशरूम को चॉप कर लें और ब्लांच वेजिटेबल्स को ठंडे पानी में डाल लें। एक पैन में गार्लिक और प्याज को ऑलिव ऑयल में सॉटे करें। इसमें मशरूम्स और ब्लांच वेजिटेबल्स ऐड करके 5 spice powder स्प्रिंकल करें। पैन को रिड्यूस ऑरेंज जूस से टॉप अप करें, फिर इसमें सोया सॉस और हनी ऐड करके प्री बॉइल्ड नूडल्स को इसके साथ टॉस करें और सर्व करें।
काफी लोगों को लगता है कि जब भी उनको फीवर होता है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो नीचे बैठ जाता है. इज दैट अ मिथ और इज दैट अ फैक्ट? लेट्स चेक आउट मिथबस्टर. वेल, ये एक मिथ है क्योंकि बुखार होने पर आपकी बॉडी में सेल्स की फंक्शनिंग तेज हो जाती है और आपका इम्यून सिस्टम जर्म से बेहतर फाइट करता है. आफ्टर द ब्रेक देखिए बार्ली एंड आमंड पिलाफ.